Hi guys, I'm Rahul and welcome back to my channel. Yeah, so it's been an exciting week and the previous video, a lot of you guys liked it and it was really, I really appreciate all the feedback and comments and the likes. So coming back to this particular video, this video is basically the second part of the filtration of our Aqua Minds series, which two of my other friends and I started, and it's really nice. So in this video, we're going to be talking about basically the types of filter media, what is available in the market, and different varieties. There are different categories, and in the categories there are different varieties of media which is available, and in the filtration, what is the the placement of the particular filter media. So these are the major things what we are going to be talking about in this particular video. And yeah, so it's just like a podcast, so it's not much of thing. So in case you don't want to watch it for long, you can actually put your headphones on and listen to it. So it's three of us just discussing the same thing in the filtration in detail. So do have a look till the end, and see you on the other side. Hello everyone. Hi. Sir, how are you? All well, man. All well. Good. Good. All good. Good to see you. Good to see you. Yeah. So chalo, let's start our topic. Yep. Yeah. Let's start our topic. शुरू करते आज के लिए. तो हाँ. तो कौन शुरू कर रहा है? सवाल सर, मैं पूछना चाहूँगा राहुल सर आपसे. अरे ओके रुको बोल. हाँ अभी स्टार्ट करो. हाँ तो सर आज हम लोग बात करेंगे फिल्ट्रेशन मीडिया की. लास्ट वीक जैसा कि हम लोगों ने देखा फिल्टर के ऊपर टॉपिक कवर किया था, लोगों को बहुत अच्छा भी लगा. तो आज हम लोग उसी से नेक्स्ट जो ऑप्शन है कि फिल्टर है तो उसके बाद फिल्टर की मीडिया आती है, तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे. तो राहुल सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, प्लीज हम लोग को जरा बताएं, हमारे व्यूअर्स को बताएं कि ये फिल्टर मीडिया बेसिकली है क्या. मेरा जैसे हमारा पहला वीडियो था, इट वाज प्रीटी गुड एंड बहुत लोगों ने उसको लाइक किया एंड ऑल ऑफ दैट. तो ये एक अच्छा था, द इनिशिएटिव इज वेरी गुड. बट एनीवे, तो मेरे हिसाब से तीन तरह के फिल्ट्रेशन मीडिया है. वो एक है मैकेनिकल मीडिया, एक बायोलॉजिकल मीडिया और एक केमिकल मीडिया. करेक्ट. सो दिस इज द जो मेन तीन जो फिल्ट्रेशन मीडिया में कैटेगरीज है. ये कैटेगरीज में बहुत सारे हैं इसमें, तो अगर हम डिटेल में जाएंगे तो आज रात भर हम बात कर सकते हैं, वो दूसरी बात है. बट फिर भी बेसिक लेवल में बोलता हूँ कि मैकेनिकल जो है तो वो स्पॉन्ज, जो हमारा बेसिक स्पॉन्ज है, जब भी हमारा इनटेक जहाँ से पानी लेके जब फिल्टर के अंदर आता है तो वो वाला चीज में हम मैकेनिकल डालते हैं जनरली. तो विच होल्ड्स द जो वेस्ट को पकड़ता है, राइट, वो मैकेनिकल हो गया. सेकंड, अगर हम बायोलॉजिकल में जाएंगे तो बहुत सारे चीजें हैं उसमें, जैसे सेरेमिक रिंग्स है, क्ले बॉल्स आते हैं, और सडनली नहीं आ रहा है, आई थिंक सभ्या यू कैन ऐड सम नेम्स. श्योर, सेरेमिक रिंग्स है, बायो बॉल्स है, हाँ, क्ले है, क्ले बॉल्स, लावा रॉक डालते हैं, हाँ, राइट. तो वो हो गया हमारा बायोलॉजिकल. बेसिकली बायोलॉजिकल मीडिया जो हम बोलते हैं, इसके अंदर हम हमारा जो फिल्ट्रेशन में एक बेनिफिशियल बैक्टीरिया, जो अच्छा बैक्टीरिया है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे फिश टैंक के लिए. तो ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया बनने के लिए, उसका एक कॉलोनी बनने के लिए उसका जगह मिलता है, राइट, सरफेस एरिया में. सरफेस एरिया है, और क्ले, अभी अब जब क्ले बोलते हैं नहीं तो सेरेमिक रिंग बोलते हैं, तो इसके अंदर में जो जगह मिलता है उसको कल्टीवेट होने के लिए. तो दैट इज व्हाई इट बिकम्स अ बायोलॉजिकल, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड, उसको बायोलॉजिकल मीडिया बोलते हैं उसको, राइट. सो बेसिकली वो कॉलोनी वो बढ़ाते रहता है उसके अंदर में, राइट. बेनिफिशियल बैक्टीरिया, हाँ, सो ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया बनने के लिए, जो कॉलोनी बनने के लिए जो हम मीडिया डालते हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है. तो right. अभी सेरामिक रिंग थोड़ा कॉमनली मिलता है मार्केट में, क्ले बॉल्स में मिलता है, जैसे मिराज ने और सभ्य ने बोला कि क्ले, लावा रॉक यूज करते बहुत सारे लोग. तो जहां जहां ये पोरस मटेरियल है, जब पानी खींचता है और उसके अंदर जो बैक्टीरियल कॉलोनी बन सकता है, तो दैट इज अ सोर्स ऑफ
टू बिल्ड द बेनिफिशियल बैक्टीरिया कॉलोनी. सो बेनिफिशियल बैक्टीरिया इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन एनी फिल्ट्रेशन. अग्री. विच इज जो अगर ह्यूमंस में भी बोलते कि अच्छा बैक्टीरिया हमारे लिए अच्छा है, तो वैसे ही मछली के लिए भी बेनिफिशियल बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है. जो हमारे फिश टैंक में जो अमोनिया बनता है, पहला चीज, द इमीडिएट जो चीज हमारे फिश टैंक में जब फिश आता है और जब हम खाना डालते हैं और उसका जो वेस्ट आता है, द इमीडिएट थिंग जो चीज बिल्ड होता है तो वो है अमोनिया. Right. तो अगर बेनिफिशियल बैक्टीरिया नहीं है तो ये अमोनिया को खाने के लिए कुछ चीज नहीं. सो अमोनिया को कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं रहता. राइट. करेक्ट. सो बेसिकली लेमैन टर्म्स अगर हम बोलते हैं तो बेनिफिशियल बैक्टीरिया अमोनिया को खाता है. राइट. खाके उसको नाइट्राइट करता है, उसके बाद में उसको नाइट्रेट में छोड़ता है. तो बहुत सारा चीज चलता है इसके अंदर में. तो दैट इज अ बेसिक थिंग. तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो पिछले वीडियो में हमने बोला था कि फिल्ट्रेशन और ये जो नाइट्रोजन साइकिल, तो वो कुछ टाइम लेता है ये सब बनने के लिए. Right. तो ये सब होता है जब बायोलॉजिकल मीडिया उसके अंदर, अगर हमारे फिश टैंक के फिल्टर में है, अगर वो नहीं है तो ये सब बनेगा नहीं और एस्टैब्लिश होने में बहुत टाइम लगेगा और अमोनिया बिल्डअप बहुत ज्यादा हो सकता है. एंड डेफिनेटली अमोनिया इज द बिगेस्ट, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे. सबसे बड़ा प्रॉब्लम कोई भी फिश आप रख लो, उसका इम्यून सिस्टम, उसका स्केल्स, उसका आउटर बॉडी में इफेक्ट होता है. तो बेसिकली हम बोलते हैं ना भाई, आजकल हेराडाइज आते हैं अमोनिया फ्री. क्यों? राइट. करेक्ट. पहले हेराडाइज आता था क्योंकि जलता था. हाँ. अमोनिया फ्री क्यों आ रहा है? बिकॉज अभी जलेगा नहीं. राइट. तो यू कैन इमेजिन द इफेक्ट ऑफ अमोनिया. तो बेसिक लेवल में हम बोलेंगे तो अमोनिया इज दैट. तो इट इज बेसिकली हर्टिंग हमारे फिश को, वो हर्ट करता है वो. राइट. तो अगर हमारा फिल्ट्रेशन वो लेवल पे नहीं है तो योर धीरे धीरे करके हम उसको किल कर रहे. Right. So that's very important to have. So okay, coming to the next third one is chemical. Chemical again is activated carbon, generally very commonly available. Mm-hmm. Which carbon आप सबको पता रहेगा कि it absorbs, वो सब खींचता है. Right. So it is definitely a thing to use if you are putting a fish under treatment or something, but it's not a permanent thing. And if you're using activated carbon, agar aap use kar rahe ho for a long run, definitely replace it within 30 days because right. ek jo wo jo khichta hai uska ek level hai. Correct. Uske baad mein wo kuch kaam ka nahi, full ho jata hai. Right. Ha, full ho jata hai. To bahut log usko reactivate karte hai, wo sab करने की जरूरत नहीं है, बट रिप्लेस द कार्बन. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिप्लेसिंग द कार्बन मीडियम. कार्बन, इफ यू आर यूजिंग एक्टिवेटेड कार्बन, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू रिप्लेस विद इन 30 डेज. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु सेज 60 डेज तक रहता है. नहीं, आई वुड से 30 डेज. 30 डेज इज द लिमिट. करो. राइट. रिप्लेस करो उसको. राइट. लेके फेंको. एंड बहुत सारे हैंग ऑन फिल्टर्स में सब आते हैं स्टैंडर्ड में. तो अगर आप यूज कर रहे हो तो पहले उसका कार्ट्रिज काट के कार्बन निकालो, कार्ट्रिज यूज करो, वो दूसरी बात है. बट कार्बन यूज मत करो बिकॉज बहुत बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी है उसमें. प्रॉब्लम्स अच्छा भी है. एंड इनिशियल लेवल पे, इनिशियल लेवल पे उसमें अच्छा है, बट बाद में जाके वही उल्टा काम करने चालू कर देता है. करेक्ट. करेक्ट. बट अगेन कार्बन, कार्बन अगर यूज करो तो बेस्ट थिंग फॉर मी लाइक डिस्कस लेवल पे अगर देखोगे तो एक ट्रीटमेंट कर रहे हो आप टैंक में. अगर मेट्रो ट्रीटमेंट हो गया आपने, 80% वाटर चेंज कर दिया, फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो एक पाउच डाल दो आपका हैंग ऑन में, तो टंकी में ही डाल दो. तीन चार दिन के लिए, तो वो जो भी एक्स्ट्रा जो भी आपका मेडिसिन वगैरह है खींच लेगा, अब्सॉर्ब कर लेगा. वो खींच लेगा बस. राइट. Right. It's a very good thing for short term use, sir. Right. Temporary use. Temporary. कुछ भी impurities है आपके tank में, कुछ भी medicine वगैरह डाले हैं तो उसको completely खींच लेगा. And carbon also chlorine ये सब खींचता है. वो सब अच्छी चीजें हैं carbon के बारे में, लेकिन temporary use है, permanent नहीं है. नहीं. Right. ऐसा हमारे बाकी जो medias हैं, बहुत सारे चीज, बहुत सारे 2-3 साल चल जाएंगे. लेकिन कार्बन वैसा नहीं है. एवरी 30 टू 40 डेज मैक्सिमम
उसको रिप्लेस करना ही पड़ेगा क्योंकि हाँ, उसका एक लिमिट है। लिमिटेशन बाद वो लिमिट फुल हो जाएगा तो उसके बाद काम नहीं करेगा। हाँ, तो उसके बाद दूसरा इफेक्ट होता है टैंक में, हाँ, विच इज वेरी बैड। काफी सारे डिजीज है मछलियों में, जैसे कि होल ऑन द हेड। होल ऑन द हेड का मेन रीजन बताया जाता है कि एक्टिवेटेड कार्बन। तो पहला चीज है उसमें आपको एक्टिवेटेड कार्बन अगर आपके टैंक पे तो उसको हटा दीजिए। तो ये सारे कार्बन से रिलेटेड एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि इट इज वेरी हेल्पफुल इन टू थिंग्स। जैसे कि आपके एक्वेरियम से बैड ऑडर आ रही है, मछलियों की स्मेल आ रही है, स्मेल आ रही बहुत कॉमन है, तो इट इज वेरी इफेक्टिव इन रिमूविंग दैट ऑडर। और दूसरी चीज है कि अगर जो प्लांटेड टैंक है, जैसा कि बताया, प्लांटेड टैंक में न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करता है, व्हिच इज अ नेगेटिव थिंग, बट एक पॉजिटिव चीज ये भी है कि जो टैलिन्स रिलीज करती है ड्रिप फूड, जो पीलापन आ जाता है, सो इट इज वेरी इफेक्टिव टू रिमूव दैट ऑल्सो। लेकिन अगेन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, यू हैव टू पुट देम फॉर कपल ऑफ आवर्स और अ डे, और उसको आपको वहां से निकाल लेना है। लॉन्ग टर्म में करेंगे तो आपके प्लांट सफोकेट कर जाएंगे क्योंकि वो सारे न्यूट्रिएंट्स निकल जाएंगे। प्लांटेड टैंक में मैं तो रेकमेंड नहीं करता हूँ एक्टिवेटेड कार्बन यूज करने के लिए। मोस्टली इट्स बेटर नॉट टू यूज इट। नहीं सर, शॉर्ट टर्म के लिए, हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए सही है। कुछ लोगों के जस्ट इमीडिएट लोगों को टैनिन पसंद नहीं आता है, राइट, और कुछ लोग ऐसे भी है जो टैनिन डालते हैं, राइट, स्पेशली जो हाँ सॉरी बोलो, स्पेशली जो ब्लैक वाटर वगैरह टैंक बनाते हैं या बायोटोप वगैरह बनाते हैं, तो उसमें टैनिन का काफी अच्छा काम रहता है, तो पीपल लाइक इट। करेक्ट। तो मैं अभी रिसेंटली जो डीक्लोरिनेशन का मैं लिक्विड यूज करता था, तो कार्बन एक्चुअली पुल्स आउट क्लोरीन, क्लोरामाइंस, लॉट ऑफ अदर केमिकल्स व्हिच कम इन द वाटर व्हाट वी गेट म्युनिसिपैलिटी वाटर, राइट। तो बट इट इज नॉट एन इंस्टेंट प्रोसेस, नहीं है लाइक जैसे मिराज ने बोला 2-3 दिन वो चाहिए उसको, अभी 100 लीटर पानी को सर्कुलेट होके थ्रू सर्कुलेट होना है ना, राइट। हाँ हाँ, तो इट्स नॉट एन इंस्टेंट प्रोसेस, राइट। तो जस्ट बिकॉज मैं ये सीकेम प्राइम ये सब यूज करता था पहले, तो दिस इज अ सॉल्यूशन आई फाउंड, बट अगेन इट इज टेक्स टाइम, टाइम लेता है, और within 30 days you have to replace that right. packet, right, it is uska bhi ek limitation hai, correct. So carbon is good if it is used correctly, right, carbon is like jaise aapne bola excellent hai jo smell sab nikal lega, lekin it has to be used very correctly, yeah, correct. So agar samap karna chahe basic things hai ji, agar sum up karna chahenge miraj ka question ko, to mera matlab filtration media kya hai ye ek clubs mein agar batana chahe to pani ka do type ka parameters hota hai, ek physical character ho gaya, ek chemical character ho gaya, to filtration media wo cheez hai jo aapke pani mein se kharab cheezon ko nikal deta hai aur acha jo cheez hai usko tank mein return karta hai, तो इसी को वन वर्ड में हम लोग इसी को कह सकते हैं फिल्ट्रेशन मीडिया। अब इसमें डिफरेंट टाइप का कैटेगरीज है, जैसे कि राहुल ने ऑलरेडी बताया बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन मीडिया है, केमिकल फिल्ट्रेशन मीडिया है, मैकेनिकल फिल्ट्रेशन मीडिया है। तो मिराज आपको सवाल है, आप कुछ मीडिया हम लोगों को दिखाइए, एग्जाम्पल दिखाइए कि मतलब कैसे होता है, कौन सा चीज क्या कितना दिन तक रखना है, क्यों रखना है, क्या बेनिफिट है, तो थोड़ा दिखाना दिखाएंगे तो अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल सर, हाँ मैं बताना चाहूंगा कि ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी रेंज बहुत ज्यादा है, वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं और नंबर्स ऑफ कंपनीज हैं जो अपने अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं, लेस प्राइस में भी है, ज्यादा से महंगे महंगे भी आते हैं। मैं आपको कुछ बेसिक से और कॉमन से फिल्ट्रेशन मीडिया दिखाना चाहूंगा जो हम लोग कॉमनली यूज करते हैं अपने फिल्टर्स में। तो जैसे कि उसमें सबसे पहले सर राहुल सर ने बताया कि मैकेनिकल मीडिया सबसे पहले एग्जाम्पल दिया, तो उसमें जो एक आता है, तो ये आप देखें स्पंज है जो हम लोग फिल्टर में यूज करते हैं, ये बेसिकली आपके जितने भी गंदी जितने भी हार्ड पार्टिकल होते हैं पानी में उसको ट्रैप करता है, right. तो बेसिकली इसका फंक्शन ये है, ये हम लोग ऊपर यूज करते हैं, इसका प्लेसमेंट कुछ ऐसा होना चाहिए कि पानी सबसे पहले इसके थ्रू पास हो। नाउ ये भी अलग अलग फॉर्म में आती है, जैसे एक ये सिंथेटिक फॉर्म में है, सिंथेटिक कॉटन इसको कह लें, एक तरह का स्पंज है ये भी, और ये एक प्रॉपर स्पंज है आप देखें। तो ये दोनों ऐसी चीजें हैं, ये इसको मैकेनिकल मीडिया आप कह सकते हैं, right. और ठीक है, तो इसको मैकेनिकल मीडिया कह सकते हैं। नाउ ये जैसे मैंने बताया, ये जितने भी बड़े पार्टिकल्स है उसको होल्ड करती है, पानी को, साफ पानी को ये नीचे दूसरी तरफ पास करती है।
उसके बाद सर स्पंज के बाद दूसरी तरह की जो फिल्टर मीडियाज आती है ना, इसमें बहुत सी वैरायटीज है सर, मैं आपको धीरे धीरे एक एक करके सब दिखाऊंगा जो मोस्टली मेरे पास अवेलेबल है और ये एक्चुअली वन ऑफ द कॉमनली यूज्ड है फिल्टर्स में यूज होती है। तो उसमें उसके बाद दूसरे नंबर पे है ये क्ले बॉल्स, छोटी छोटी राउंड बॉल्स की आती है, डिफरेंट साइजेस में आती है। ये क्ले बॉल हाईली पोरस होती है, इनका काम क्या होता है सर, ये पानी आपके मैकेनिकल मीडिया से पास होके बायोलॉजिकल मीडिया में जाता है, ये बायोलॉजिकल मीडिया में आती है जैसा कि राहुल सर ने बताया। तो इसमें जब आती है तो इसमें जब आपका टैंक मैच्योर होता है, बैक्टीरिया की कॉलोनी बन जाती है, तो वो सब इसी में ही बनती है, इसमें ज्यादा बनती है right. हर हार्ट स्केप में होती है लेकिन सरफेस एरिया में, राइट, सरफेस एरिया में यूजुअली ज्यादा बनाता है। करेक्ट करेक्ट। लेकिन ये सब क्यों बेनिफिशियल है सर, क्ले बॉल वगैरह ये थोड़ी पोरस होती है, वाटर इनके थ्रू भी फ्लो होता है, तो इनके सरफेस के साथ साथ इनके अंदर भी जो है बैक्टीरिया की कॉलोनी बनती है। कॉलोनी बनता है क्योंकि हाईली पोरस जो नेचर है उस वजह से इसमें ज्यादा बैक्टीरिया फॉर्म होते हैं। राइट। इसी तरह से सिमिलर एक और मीडिया है, बहुत ही कॉमनली यूज है सर हमारे एक्वेरियम में, हम सब यूज करते हैं, वो है सिरामिक रिंग्स, सब देखा होगा आप लोगों ने। राइट राइट। तो हाँ ये चाहिए इवन मेरे पास, तो या इवन मेरे पास भी है, कॉमनली यूज है सिरामिक रिंग जी। राइट। सर इनका भी नेचर जो है ये भी उसी, इनका पर्पस भी सेम उसी क्ले बॉल की तरह है, ये भी हाईली पोरस है, वाटर इनके थ्रू पास होता है, बैक्टीरिया की ज्यादा से ज्यादा कॉलोनी बढ़ती है। ठीक है। इवन मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, अगर आप एक नॉर्मल रॉक जो पत्थर होते हैं अगर आप वो भी फिल्टर के मीडिया में डाल देंगे अपने फिल्टर में, उसमें भी बैक्टीरिया की कॉलोनी बनेगी। right. लेकिन क्या है कि वो हार्ड मटेरियल है, उसके अंदर नहीं होगा, एक लिमिटेड कॉलोनी रहेगी। राइट। लेकिन बाहर बाहर बनेगा वो। जी जी। तो पोरस है तो इसका यही एडवांटेज है कि एक छोटे में मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, जितने ज्यादा बैक्टीरिया जितना ज्यादा पानी उससे फ्लो होगा ज्यादा क्लीन करेंगे, अगेन इट विल बी इजियर फॉर देम टू कन्वर्ट द अमोनिया टू नाइट्राइट एंड देन नाइट्रेट। सर इसके बाद जो फिल्टर मीडिया है वो थोड़ी सी एडवांस है, एडवांस मैं इसलिए कहूंगा कि दे आर लिटिल बिट कॉस्टली और उसके थोड़े से एडेड फीचर है, क्या है मैं बताऊंगा, वो है लावा रॉक्स। काफी कॉमनली यूज है ये भी, लेकिन ये थोड़ी सी बेनिफिशियल है इन टर्म्स ऑफ हाउसिंग द बैक्टीरिया, वो इसलिए सर क्योंकि पहला तो ये पोरस है लाइक सिरामिक या क्ले बॉल, ठीक है, तो सेम फीचर इसका भी है। दूसरा इसका मेन फीचर सर ये है कि इट हैज इट इज एक्चुअली फ्रॉम द ओरिजिनल लावा, जो लावा रॉक्स होते हैं उससे फॉर्म हुआ है, तो ये नेचुरल रॉक्स है, बनाई नहीं गई है। तो इसके अंदर जो मिनरल्स हैं ये बैक्टीरिया को कंज्यूम, सॉरी जो बैक्टीरिया है वो इस मिनरल को कंज्यूम करते हैं, तो इट इज इट हेल्प्स देम रीजनरेट फास्टर एट अ हायर रेट, उनकी कॉलोनी अच्छे से बनती है, इफ दे कैन कंज्यूम समथिंग दे कैन रीग्रो वेरी फास्टर, सो इट इज लिटिल बिट एडवांस देन द सिरामिक रिंग्स। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सिरामिक रिंग यूज कर रहे हो तो आप लावा रॉक नहीं यूज करो तो आप डिसएडवांटेज में हो, ऐसा नहीं है, इवन सिरामिक रिंग विल होल्ड बैक्टीरिया, ये भी होल्ड करेगा, इसमें आपको थोड़ा स्लाइटली एडेड ऑन फीचर मिलेगा कि बैक्टीरिया विल ग्रो लिटिल फास्टर। ठीक है। Right. तो ये एक और अच्छी मीडिया है सर, मोस्ट रिकमेंडेड है अगर आप इस तरह की मीडिया डालें तो इट विल हेल्प क्लीन योर वाटर मच फास्टर टू कॉलोनी। राइट। और उसके बाद सर एक और फिल्टर मीडिया है जिसपे हम लोगों ने डिबेट किया, राहुल सर ने बहुत बड़ा एग्जांपल सेट किया, वो आती है कार्बन। नाउ आई वुड लाइक टू शो एवरीवन की कार्बन होता कैसा है, सबने देखा होगा लेकिन फिर भी मैं दिखाना चाहूंगा, थोड़ा सा हाथ काला हो गया है। ये देखें। गॉट इट। नाउ कार्बन इज अ केमिकल मीडिया, अब सर नाम से ही पता चल जाता है केमिकल मीडिया है, तो क्यों है ये, पानी में जितने भी हार्मफुल केमिकल्स वगैरह हो गए और जितना भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स वगैरह है या कुछ भी कोई भी मिनरल्स है जो पानी में अनवांटेड है उसको खत्म करता है, उसको एलिमिनेट करता है, वो चाहे जैसा मैंने कहा कोई भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स हो या मिनरल हो या फिर बैड ऑडर हो, पानी में पीलापन है, मछली की जो बदबू स्मेल आती है पानी से, ये बहुत ही एफिशिएंटली उसको काम करता है। लेकिन अगेन राहुल सर, साथी सर, जैसे आपने बताया कि हमें इसे लॉन्ग टर्म पे यूज नहीं करना है क्योंकि इसका रिवर्स एक्शन है, अगर आप इसको एक महीने से ज्यादा यूज करते हो तो ये जितना भी चीजें होल्ड करेगा वो थोड़े टाइम बाद पानी में रिलीज करेगा, विच विल बी अ वेरी ट्रेजिक, हाँ वेरी रिस्की, ये बहुत बुरा इम्पैक्ट रहेगा एक्वेरियम पे।
करेक्ट। तो अगेन मैं ये इसके लिए फिर से जो राहुल सर ने बोला मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि अगर आप इसको यूज करते हैं तो यूज इट फॉर अ शॉर्टर टाइम। प्लांटेड टैंक में सजेस्टेड नहीं है क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स को खत्म करता है, इट्स अ डिबेटेबल टॉपिक। लेकिन आपको टैनिन पसंद नहीं है तो यू कैन यूज इट फॉर वन डे और फ्यू आवर्स अंटिल ये इसको अब्सॉर्ब करे। वैसे वाटर चेंज से भी जाता है लेकिन ये इफेक्टिव तरीका है। आपके एक्वेरियम में बदबू आ रही है, आप उसको खत्म करना चाहते हैं तो आप इसको डिप करके रख दें और बाद में हटा दें। हटाना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। टेम्परेरी किसी पाउच में, राहुल सर ने बताया, उसको हैंग करके रख सकते हैं। पानी को आपको क्लीन करना है, आपके पानी में क्लोरीन आ रहा है, इट विल हेल्प रिमूव द क्लोरीन। बट अगेन टेम्परेरी ओनली, नॉट परमानेंट। करेक्ट, इट्स इफेक्टिव बट यू नीड टू बी वेरी कॉशियस। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड लाइक विराज भाई, आई थिंक यू शुड ऐड दैट, मैंने बोला था ऑलरेडी, बट आई थिंक एवरी जो भी हम हैंग ऑन फिल्टर लेते हैं बाय डिफॉल्ट ये कार्बन आता है। आई थिंक आई मेंशनड इट अर्लियर, बट वो कार्बन अगर यूज कर रहे हैं तो नया टैंक है, नया फिल्टर है, आप यूज कीजिए 10-15 दिन, फिर बाद में चेंज कर दीजिए। हाँ, वो जो स्पॉन्ज है पीछे का वो काट के आप कार्बन निकाल के यूज कीजिए। एंड डोंट लीव द कार्बन, कार्बन अंदर मत छोड़िए। वो जो कार्बन जो डिफॉल्ट फ्री में आता है बहुत लो क्वालिटी का रहता है। right. वो उतना नहीं खींचेगा जैसा आप जैसे आपके पास है, जो मेरे पास है, सभी का पास, जो हम कार्बन लेते हैं सेपरेट। राइट राइट, उसका जो इफेक्ट है वो एक्चुअली 30 दिन 30 दिन काम करेगा वो। करेक्ट राइट, लेकिन ये जो फ्रीज चीज वो डाल के देते हैं जो कार्ट्रिज जैसा जो हमारे हैंग ऑन फिल्टर्स में आते हैं उतना इफेक्ट लो क्वालिटी का होता है, लो क्वालिटी का। हाँ, तो वो 1-2 दिन भी काम नहीं करेगा, तो आप उसको परमानेंटली मत डालो, उसको पहले निकालो, वो कार्ट्रिज यूज कीजिए, उसको क्लॉथ जो है काट के कार्बन निकाल दीजिए, कार्बन निकाल के उसमें स्पॉन्ज अटैच करके आप यूज कर सकते हैं। हाँ, कुछ कुछ कर लीजिए बट कार्बन निकाल दीजिए, बिकॉज वो सब बहुत लो क्वालिटी का कार्बन रहता है, वेरी स्पेसिफिक, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, या तो थैंक यू राहुल सर। तो बेसिकली ये फिल्टर मीडिया थी जो आप अपने फिल्टर में यूज कर सकते हैं। नाउ इसके अलावा भी बहुत सी मीडिया आती है, जैसे कि मेरे पास बायो बॉल्स नहीं है, बायो बॉल्स आती है, बायो बॉल्स मेरे पास है, मैं दिखा सकता हूँ आपको, सभी के पास है बायो बॉल्स। ये है बायो बॉल्स जी, ये भी बायो बॉल्स जो सर अंदर स्पंज है, इसके अंदर एक स्पॉन्ज रहता है। राइट, ये इसके अंदर एक स्पॉन्ज रहता है और बाकी ये बस सरफेस एरिया में बेनिफिशियल बैक्टीरिया कॉलोनी जो है वो बनता है। राइट, इसके बाद K1 मीडिया है, बायोरियो मीडिया है, बहुत सारे मीडिया है। मीडिया का तो मतलब हर रोज नए नए आ रहे हैं अभी। हाँ जी जी जी, तो बेसिकली एक ओवरऑल सम अप मैं आपको देना चाहूँ, सबको अगर बताना चाहूँ तो फिल्टर मीडिया आप जो है इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यूज करें, फिल्टर मीडिया को स्किप ना करें। कोई सा टैंक भी आप ले रहे हैं तो इसको एक लेवल तक भरे, उसमें एक एक्वेरियम आपका हैंग ऑन बैक फिल्टर है तो उसमें भी स्पेस रहता है, आप उसको भी अपने मीडिया से फिल कर सकते हैं जो भी, क्योंकि हैंग ऑन बैक फिल्टर में यूजली आप सिरामिक रिंग्स नहीं डाल सकते हो, आप बायो बॉल्स नहीं डाल सकते हो, बट देयर आर अदर लावा रॉक्स हैं, नहीं लावा रॉक्स को आप छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें डाल सकते हैं, टुकड़े डाल सकते हो, एक छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें डाल के, हाँ सिरामिक रिंग भी डाल सकते हो आप, नो प्रॉब्लम, पाउच पाउच में डाल के डाल देंगे तो नो प्रॉब्लम। राइट, एग्जैक्टली। तो ये सब थी और मोस्ट रिकमेंडेड है, कोई भी यूज करें ना, मैं किसी एक पे नहीं कहूंगा, कि मेरे ख्याल से सबके फीचर सेम ही हैं, थोड़ा बहुत एडवांस है जैसे लावा रॉक है, तो इट रियली डिपेंड्स कि पीपल किस पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इफेक्टिव सब है, बस जस्ट मेंटेन द वाटर क्वालिटी, कीप द मीडियाज क्लीन, आप मंथ में या 2 मंथ में अपने साइज के हिसाब से उसे साफ करें और मीडिया को कभी गंदा ना होने और सेम वाटर से साफ करें। तो आप किसी भी फिल्टर में आप कोई कोई भी फिल्टर मीडिया आप यूज करते हैं, कोई आपकी चॉइस है, जो भी पब्लिक इन्वेस्ट कर सकती है। लावा रॉक लेंगे तो जैसा मैंने कहा एडेड फीचर है, उसमें मिनरल्स होते हैं जो बैक्टीरिया कंज्यूम करते हैं, वो आप लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सिरामिक रिंग भी डालेंगे तो दैट इज इफेक्टिव। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा, एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा सबके लिए, कि आप अपने फिल्टर को मंथ में एक बार या 2 महीने में एक बार क्लीन जरूर करें, अपने फिल्टर मीडिया में जो जितना भी स्पंज आप लगाओगे, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत डेब्री, थोड़ी बहुत गंदगी आपके फिल्टर मीडिया पे भी आती है, क्लॉग हो जाता है फिर, राइट, स्पंज है, स्पंज क्लॉग हो जाता है, राइट, स्पंज क्लॉग हो जाएगा सर, मीडिया के ऊपर जब गंदगी जम जाती है सर तो बैक्टीरिया को फ्लो नहीं मिलता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता, वाटर उसके थ्रू पास नहीं कर पाता है। राइट राइट,
सो यू हैव टू क्लीन द मीडिया, और हमेशा याद रखें जब भी आप फिल्टर मीडिया क्लीन करें तो उसी एक्वेरियम के पानी से चेंज करें, उसी पानी से क्लीन करें, यूज द सेम एक्वेरियम वाटर, ताकि वाटर की केमिस्ट्री बदले ना, क्योंकि ये जो पानी की केमिस्ट्री चेंज फिश पे ही नहीं आपके बैक्टीरिया पे भी इम्पैक्ट लाती है, ज्यादातर तो बैक्टीरिया पे इफेक्ट करता है, इमीडिएटली तो बैक्टीरिया को ही इफेक्ट करता है, राइट? करेक्ट. तो एक्वेरियम का पानी यूज करें, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जब भी मीडिया क्लीन करें तो उसको हार्ड रब ना करें, बहुत ही सॉफ्ट रब करें, स्पंज को कभी निचोड़े नहीं. यूजली हम लोग निचोड़ देते हैं, निचोड़े नहीं, थोड़ा स्क्वीज करके, दो बार ऐसे बस स्क्वीज करके इसको छोड़ दीजिए, इसको मतलब इससे ज्यादा गंदगी पूरा निकालना चाहेंगे तो गंदगी के साथ साथ बैक्टीरिया भी निकल जाएगा, फिर इसका पर्पस खत्म हो जाएगा. जरूरी गंदगी, थोड़ा गंदगी जरूरी है. हाँ, फिल्ट्रेशन का काम ही है गंदगी रखना. हाँ, कोई भी फिल्टर पूरा क्लीन नहीं होने का है, राइट? नीरज भाई ने बोला कि, एंड सभ्य ने जो बोला, गंदगी इज इम्पोर्टेंट, वो चाहिए. दैट इज वो तो है, जो अच्छा बैक्टीरिया है तो वही तो है वो. हाँ, राइट सर. रिन का ऐड आता है सर, दाग अच्छे हैं, आपने देखा होगा, दाग अच्छे हैं, परफेक्ट लाइन. फिल्टर के हिसाब से वो एकदम सही बैठता है, दाग अच्छे हैं, बैक्टीरिया दाग अच्छे हैं, चलो दाग अच्छे हैं, चलो टाइटल वो डाल. सर ये सर मीडिया के बारे में था, तो हम अपने अगले सवाल पे आते हैं. सभ्यसाची सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हम इस फिल्टर मीडिया प्लेस कैसे करें सर, क्या प्लेसमेंट होना चाहिए, कौन सी मीडिया पहले आनी चाहिए, कौन सी नीचे आनी चाहिए, इसके बारे में प्लीज कुछ बताएं. हाँ, तो मेरा जैसे कि आपने पूछा कि सीक्वेंस किस सीक्वेंस में रखना है, इसका कोई थंब रूल तो ऐसा नहीं है, और ये कॉमन सी सवाल है, मतलब हर किसी के दिमाग में ये सवाल तो कभी ना कभी आया ही होगा और आता ही रहता है कि कौन सा यू नो सीक्वेंस में मैं ये जो फिल्ट्रेशन मीडिया है इसको यूज करूं. अब फिल्ट्रेशन मीडिया बोलने से यहाँ पे फिल्टर का बात भी आ जाता है. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि डिफरेंट टाइप का फिल्टर्स आते हैं, जैसे कि स्पंज फिल्टर हो गया, एक कैनिस्टर फिल्टर हो गया, सम्प फिल्टर हो गया, सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप है. अब स्पंज फिल्टर के लेके बात करेंगे, स्पंज फिल्टर में आपको कुछ ऐड करने का वहां पे है नहीं, वहां पे ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट आपका स्पंज लग के ही आते हैं, उसमें आप बायो बॉल्स वगैरह या फिर बायोलॉजिकल मीडिया अलग से डाल नहीं सकते हैं, तो वो उसको हम लोग छोड़ देंगे साइड में, क्योंकि उसमें कुछ करने का है नहीं. अब नेक्स्ट आ जाते हैं एचओबी या हैंग ऑन बैक, या फिर जो टॉप फिल्टर आप यूज करते हैं, कैनिस्टर फिल्टर यूज करते हैं, इसमें आपको डिफरेंट चेंबर रहते हैं, सम फिल्टर में भी चेंबर बना सकते हैं, तो और चेंबर में आप ये डिफरेंट फिल्ट्रेशन मीडिया रखते हैं. अब फिल्ट्रेशन मीडिया जब मतलब फिल्टर में जब पानी आता है तो इनटेक से होके आउटलेट की तरफ पानी जाता है, तो मैं सीक्वेंस इस हिसाब से बोलूंगा कि इनलेट के बाद कौन सा रहना चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे करके वो आएगा, और फिर आउटलेट मतलब जो ऑटोमेटिकली जो आउटपुट फिल्ट्रेशन है या फिर आउटलेट है, आउटलेट से निकल जाएगा वो पानी. तो इमीडिएटली जब आपका पानी फिल्टर में आ रहा है इनटेक से आने के बाद, मुझे लगता है, जो ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई थंब रूल नहीं है इसका, मुझे जो लगता है कि ये इमीडिएटली आना चाहिए आपका मैकेनिकल फिल्ट्रेशन मीडिया के ऊपर, जो कि आपका स्पॉन्ज है. राइट, जो कि आपका स्पॉन्ज है. स्पॉन्ज में आएगा तो क्या होगा, जो भी मतलब डस्ट वगैरह होगा या फिश पूप वगैरह होगा, खाने का वेस्टेज वगैरह होगा, ये सारे चीजों जो है, ये सारे चीजें आके आपका ये स्पंज में फंस जाएगा. अब ये स्पंज भी काफी सारा डिफरेंट टाइप का आता है, ये डिफरेंट पीपीआई का आता है, इसका पीपीआई कुछ 30 PPI है. अगर आप सनसन का 302 वाला मॉडल खरीदेंगे या 603 वाला मॉडल खरीदेंगे, वहां पे बाय डिफॉल्ट आपको स्पंज दिया जाता है, डिफरेंट तीन डिफरेंट टाइप का जो पीपीआई है उसके हिसाब से आपको दिया जाता है. राइट, तो वहां पे कोशिश कीजिए जो बड़ा पीपीआई वाला है, जैसे कि ये 30 PPI है, तो मैं इसको रखूंगा सबसे नीचे, क्योंकि जो बड़ा डेवरी है वो आके यहाँ पे फंस जाएगा. इसके बाद मैं रखूंगा थोड़ा कम वाला जो 20 PPI का होगा, उसके बाद मैं रखूंगा 10 PPI का, और उसके बाद पानी चला जाएगा डायरेक्टली मेरा जो बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन चेंबर है वहां पे. बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन चेंबर में आप किसी भी हिसाब से रख सकते हैं, अगर आपका सम्प है तो सम्प में K1 मीडिया बहुत अच्छा काम करता है, अगर आपका कैनिस्टर फिल्टर है मतलब वहां पे जगह थोड़ा कम है, K1 मुझे लगता है कि आप एक एक सेक्शन में हम डाल सकते हैं. राइट, एक एक सेक्शन पे हम लोग डाल सकते हैं. K1 कैनिस्टर में काम नहीं करेगा. राइट, K1 कैनिस्टर पे काम नहीं करता है, HOB में भी उतना अच्छा काम नहीं करेगा, ये सम्प पे ही सबसे बेस्ट काम करता है. सम्प पे जब रखेंगे तो ये बेस्ट काम करता है, या फिर आप अगर इंटरनल सम्प बना रहे हैं अपने टैंक पे तो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं. तो बेसिकली K1 का फंडा क्या है कि वो हमेशा घूमता रहता है हाई प्रेशर पे, उसको जब हम उसको ब्लॉक कर देते तो उसका वो बराबर से काम नहीं करेगा, मूवमेंट नहीं रहता है, मूवमेंट चाहिए उसको. राइट,
तो उसके लिए ये सम के लिए बेटर रहेगा, इंटरनल सम हो एक्सटर्नल सम हो उस पे आप यूज कर सकते हैं, बट अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो सिरेमिक रिंग्स यूज कर सकते हैं, क्ले बॉल्स यूज कर सकते हैं, इस तरह का बायो बॉल्स जो मैंने देखा है बायो बॉल्स आप यूज कर सकते हैं, तो ये सारे चीज आप यूज कर सकते हैं अपना फिल्ट्रेशन में बायोलॉजिकल चेंबर में। अगर आप सीक्वेंसेस में पूछेंगे तो इसमें बार बार बोल रहा हूँ सीक्वेंस इस तरह से कुछ नहीं रहता है, बट आप कोशिश कीजिए कि एक चेंबर पे आप एक ही टाइप का फिल्ट्रेशन मीडिया रखिए ताकि इसके लिए आपके लिए इजी हो जाता है उसको क्लीन करना। अगर आप क्ले के साथ सिरेमिक रिंग्स एक साथ में रखते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है कभी कभार क्लीनिंग के टाइम पे स्पेशली, अदरवाइज आप चाहे तो बायोबॉल्स मतलब सिरेमिक रिंग अगर चाहे तो बायोबॉल्स के साथ ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये जैसे कि आप देख रहे हैं ये थोड़ा बड़ा साइज का होता है, ये हालांकि ये मीडियम साइज का है, इसका स्मॉल भी है, स्मॉल मुझे मिला नहीं तो मैंने ये मीडियम लिया है, तो इसमें बीच इसके बीच में बहुत ज्यादा गैप रह जाता है, गैप को फिल अप करने के लिए आप उसमें लावा रॉक्स डाल सकते हैं, लावा रॉक्स का चिप्स या फिर आप सिरेमिक सिरेमिक रिंग्स डाल सकते हैं, वैसा करके आप एक मिक्स क्रिएट कर सकते हैं। और एकदम लास्ट में जब पानी आपका टैंक में जाएगा उससे पहले आप ये फिल्टर फ्लक्स यूज कर सकते हैं, तो जो भी छोटे छोटे मतलब डस्ट पार्टिकल्स वगैरह रहेगा वो यहाँ पे आके फंस जाएंगे। उसके बाद क्लीन पानी, इसका काम है पानी को पॉलिश करना, आपका पानी अगर एकदम क्रिस्टल क्लियर जैसा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये टैंक पे पूरा क्रिस्टल क्लियर पानी है, यहाँ पे राहुल का टैंक पे भी दिखेगा आपको और पीछे नहीं वो शायद मिराज का जो टैंक है वो अभी तक पानी नहीं है उसमें, क्रिस्टल क्लियर है क्योंकि पानी नहीं है राइट, तो क्रिस्टल क्लियर तो क्रिस्टल क्लियर पानी अगर आपको चाहिए तो ये फिल्टर फ्लक्स जो है इसको फिल्टर फ्लक्स या फिर वूल कहा जाता है, फिल्टर वूल ये सिंथेटिक कॉटन का बनाया हुआ रहता है, कभी भी ऑर्गेनिक कॉटन यूज मत कीजिए, ऑर्गेनिक कॉटन अगर आप टैंक पे यूज करेंगे तो चांसेस है कि वो सड़ना चालू हो जाएगा कुछ दिनों के बाद और वहां से स्मेल आएगा, आपका डिफरेंट टाइप का इश्यूज आ जाएंगे आपके टैंक पे, तो करेक्ट ऑब्वियसली राइट, तो ये सिंथेटिक कॉटन है, ये सिंथेटिक कॉटन को आपको चेंज करते रहना है, ये हर एक दो महीना बाद, जैसे कि मैंने जैसे कि राहुल ने कहा कि एक्टिवेटेड कार्बन को चेंज करना है, उसी तरह से इसको भी आपको चेंज करना है कि इसका, क्योंकि इसका जो पोर है मतलब जो होल्स है इसके अंदर ये बहुत छोटे होल्स होते हैं तो ये बहुत ज्यादा जल्दी ये क्लॉग्ड हो जाता है, उसको आपको रोकना है तो इसको चेंज करते रहना होगा, हर दो महीने में एक महीने में इसको चेंज कर दीजिए, और ये ज्यादा कुछ एक्सपेंसिव भी नहीं है, 100 रुपया में कुछ 3 मीटर का या 3 फीट का शायद आसपास कुछ आता है, तो ज्यादा कुछ एक्सपेंसिव भी नहीं है। हाँ, तो ये फिल्टर फ्लक्स जो है ये फिल्टर फ्लक्स आपको चेंज करते रहना है। अब अगर आप हैंग ऑन बैक यूज कर रहे हैं तो उस मामले में मेरा कहना यह रहेगा कि आप स्पॉन्ज फिल्टर यूज कीजिए, मतलब स्पॉन्ज डालिए उसके अंदर और ये फिल्टर फ्लक्स जरूर डालिए, अगर आपके हैंग ऑन बैक में उतना जगह नहीं है तो, अगर जगह है तो डेफिनेटली सिरेमिक रिंग्स डाल सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सिरेमिक रिंग्स आते हैं, मतलब बड़े वाला आता है मीडियम, हाँ छोटे वाला आता है, छोटे वाला कोई भी हैंग ऑन बैक में ऑलमोस्ट फिट हो जाता है, तो ये जरूर डालिए ताकि ये आपका पानी को पॉलिशिंग करता है, और एकदम क्रिस्टल, अगर आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी चाहिए तो ये बहुत जरूरी चीज है ताकि जो भी छोटे छोटे डेब्री है डस्ट वगैरह है वो सारे आपके टैंक से निकल जाए, तो ये हमको रेगुलर रिप्लेस करना पड़ेगा ना भाई? राइट राइट, क्योंकि ये क्लॉग हो जाएगा कुछ दिनों के बाद, ये क्लॉग हो जाता है तो इसको रेगुलर चेंज करते रहना ही बेटर है जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है। और इस सीक्वेंस पे मैं रखता हूं, अगर आपको ये सीक्वेंस में पसंद है तो आप रख सकते हैं, नहीं तो आप किसी भी सीक्वेंस में रख सकते हैं, बट यूजुअली दिस इज द फ्लो व्हिच आई बिलीव विल बी यूजफुल, तो इतना ही है और ज्यादा कुछ तो इसमें नहीं है, वीडियो आज के लिए यहीं पे सम अप करेंगे। ओके, नहीं नहीं, एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, एक पॉइंट है, हां मेरा भी एक पॉइंट है सॉरी, तो जैसे जैसे कि जो हमारा बायोलॉजिकल मीडिया है तो उसके ऊपर अगर वेस्ट आके बैठ गया तो वो अपना काम नहीं करेगा, तो वो मेरे हिसाब से एक पॉइंट मैं सोचता हूँ कि तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो मैकेनिकल मीडिया है जो स्पॉन्ज है तो ये वेस्ट डेब्रिस और फूड जो अपने सभ्य भाई ने बोला वो सब वो पकड़ेगा, तो खाली वो पानी निकलेगा उधर से राइट, और पानी आएगा हमारे बायोलॉजिकल मीडिया, जो भी सिरेमिक रिंग है, लावा रॉक है, जो भी मिराज भाई ने हमने दिखाया, तो दैट इज वेयर वो बेसिकली वो एनारोबिक एनारोबिक बैक्टीरिया है, सो इट नीड्स टू हैव दैट स्पेस राइट, वो एक जगह चाहिए उसको, एंड वो उसके ऊपर अगर कोटिंग बन गया वेस्ट का ये सब वो काम नहीं करेगा उसका बराबर से, तो जो जहां पे हम ये बायोलॉजिकल मीडिया रखते हैं तो उसको आई थिंक
ऊपर से नीचे से जो भी है ये स्पॉन्ज रखना चाहिए, बिकॉज जब भी जब पानी उसके अंदर से जाता है तो इट हैज टू बी क्लीन, क्लियर पानी उसके अंदर जाने का, तभी वो उसका जो बराबर सा काम करेगा. एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा राहुल, आपने कहा कि एनएरोबिक बैक्टीरिया, दरअसल ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो होता है ये एनएरोबिक नहीं होता है, ये एरोबिक बैक्टीरिया होता है. एनएरोबिक बैक्टीरिया वो होता है जैसे कि साइनोबैक्टीरिया हो गया, वो होता है एनएरोबिक बैक्टीरिया, जहाँ पे पानी का फ्लो कम रहता है वहां पे ग्रो होता है, उसमें वो दरअसल हार्मफुल है आपके टैंक के लिए, तो आपको चाहिए एरोबिक बैक्टीरिया. जहाँ पे फ्लो कम होता है, ओके, एरोबिक बैक्टीरिया इज व्हाट वी नीड. राइट. बट या सो द पॉइंट जो मैं बताने की कोशिश जो कर रहा था कि जो वेस्ट है ये बायोलॉजिकल मीडिया के ऊपर नहीं आने का है. राइट. तो इसीलिए मैंने कहा कि डिफरेंट टाइप का जो पीपीएचसी का स्पंज है उसको पहले रखिए. करेक्ट. राइट. हां तो मिराज आप कुछ बोल रहे थे पहले. हां नहीं सर, और अगर आप देखें जो मैं कहना चाहूंगा, जो कलिस्टर फिल्टर आता है आपने देखा होगा कि दैट इज द रीजन कि जो टॉप फिल्टर है वो स्पंज होता है, उसके बाद जो ट्रेज आती है उस पे आप मीडिया रखो और उसके नीचे भी एक स्पंज रहता है. राइट. फॉर द सेम रीजन कि कोई भी इंप्योरिटीज हो हर तरह से रुके. राइट. वो रुके और मीडिया के ऊपर फैले ना. राइट. अगर वो गलती से ऊपर वाले से स्केप होके नीचे आ गए तो एटलीस्ट नीचे जाके वो फंस जाएगा. राइट. तो बायोलॉजिकल मीडियम में ज्यादातर हमको क्लीन वाटर देना चाहिए उसको, तभी वो उसका बराबर से काम करेगा. और एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा, ऐड करना चाहूंगा, जो कि मैंने पर्सनली देखा है, अगर आप लोगों ने स्ट्रिम्स रखते हैं तो काफी सारे स्ट्रिम्स है, मतलब रेड चेरी स्ट्रिम्स के साथ मैंने ये देखा है, रेड चेरी स्ट्रिम्स किसी ना किसी तरह से आपका फिल्टर में से, मतलब वो फिल्टर इनलेट से वो सक हो जाता है, कुछ जब बेबीज रहते हैं तो वो अगर किसी तरह से वो सक हो गए और आपके फिल्टर में आ गए, स्पॉन्ज में आके वो आराम से रह सकते हैं, क्योंकि वो वहां पे उसको फूड मिल जाता है, तो वहां पे जी, तो ये वहां पे अच्छे आराम से जी लेते हैं. मतलब ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है अगर आप स्ट्रिम्स रख रहे हैं तो, क्योंकि काफी सारे टाइम पे मैंने देखा है कि मेरा जो जब मैं फिल्टर क्लीन करता हूँ तो नीचे के चेंबर में से मिलता है वो बेबीज श्रिम्स के. जी मेरा तो उसके लिए हम एक्चुअली कुछ जो फिल्टर का फ्लॉस जो आता है वो लगा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, इंटेक में लगा सकते हैं, खींच पहुंच लगा सकते हैं, वो उधर ही रख सकते हैं, राइट वाला लेयर कुछ डाल देंगे. हां फ्लो इनसाइड द, हां फिल्टर के अंदर मूवमेंट बहुत है सर. हां दैट इज नॉट गुड. उसको खाना तो मिलेगा बट द मूवमेंट इज नॉट गुड. राइट. इट्स नॉट गुड फॉर देम. सर एक चीज और पॉइंट मैं पूछना चाहूंगा, इसमें आपका सजेशन चाहिए आप लोगों का, बिकॉज़ पीपल आस्क मी सो व्हाट आई फील कि जैसे कि बहुत सी मीडियाज आती है, फिल्टर मीडिया बहुत एक्सपेंसिव है, नो नीड टू नेम द ब्रांड्स, बट देयर आर वेरी एक्सपेंसिव बॉक्सेस, छोटी सी क्वांटिटी है बट देयर वेरी एक्सपेंसिव एंड पीपल ब्रैग अबाउट इट कि मैं तो ये इतना बड़ा ब्रांड यूज कर रहा हूँ, बट व्हाट आई फील सर डज इट रियली मैटर्स, आई डोंट थिंक इट्स जस्ट अबाउट द, जैसे मैंने बताया कि सेरामिक और लावा रॉक में थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन अगर आप सेरामिक भी सस्ती यूज करते हो तो इट वर्क्स होल्डिंग अ बेनिफिशियल बैक्टीरिया, इट डज राइट. मुझे मेरे हिसाब से नहीं लगता कि उतना ज्यादा कुछ डिफर करता है, मुझे नहीं लगता उतना ज्यादा डिफर करते हैं, बट ये एक हाइप है, लोगों के दिमाग में ये आ गया है बात. हाँ एक ब्रांड है तो लाइक जैसे हम शूज लेते हैं तो नाइकी लेते हैं तो नाइकी का ब्रांड का इतना रहता है. राइट. तो ब्रांड वैल्यू दे हैव बिल्ट सो द बेसिक 200 रुपए से भी. हां तो बेसिकली दैट ओनली. तो राइट. तो ऑल दिस थिंग्स बेसिकली वो वही चीज है. हां जी. तो सर इन लोगों को जो हम लोग को देख रहे हैं तो उनको हम एक क्लियर मैसेज दे सकते हैं कि आप चाहे कम बजट वाली कम पैसे की इवन सेरामिक रिंग जो सबसे सस्ती है अगर आप वो भी डालते हो तो दैट इज आल्सो अ गुड कंपेयरिंग टू एनी अदर लाइक लावा रॉक. इट इज परफेक्टली वेल टू लावा रॉक आल्सो बहुत सारे चीज. अभी एक और आई डोंट नो इफ यू गाइस मस्ट हैव सीन दिस, ये सेरामिक रिंग जैसा ही लावा रॉक का भी आता है छोटा वाला. हां जो भी है बेसिकली फंडा क्या है, पोरस है, अबाउट द बैक्टीरिया खींचता है. हाँ जो पानी खींचता है, जो पानी को अब्सॉर्ब करता है, वैसा एक कॉलोनी वाला कुछ भी आइटम हो तो
ऐसा हो सकता है जो ब्रांडेड जो जो ब्रांडेड है उसका शायद ये हो सकता है एक एडवांटेज, बट मुझे उतना ज्यादा यकीन के साथ पता तो नहीं है, बट ये डिफरेंस मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ शायद वहाँ पे सम डिफरेंस तो रहेगा, इसलिए वहाँ पे मुझे जो लगता है मुझे लगता है ये इतना ही डिफरेंस रहेगा कि वो शायद कम लगे आपको, ये शायद ज्यादा लगे, उतना ही डिफरेंस ज्यादा लगे बस, राइट? मुझे लगता है वही। और एक ये भी हो सकता है उसका उसका लॉन्गजीविटी शायद थोड़ा ज्यादा होगा, इसका लॉन्गजीविटी शायद थोड़ा कम होगा, बट ट्रस्ट मी ये मैं ऑलमोस्ट लाइक 3 साल से यूज कर रहा हूँ मेरा फिल्टर में, और मैंने अभी तक चेंज नहीं किया है, मुझे 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 कुछ फर्क नहीं पड़ा है, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ा है कि मतलब पानी क्लाउडी है या फिर गंदा हो रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं 3 साल से यूज कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि ये इनफाइनाइटली चलता रहता है, अगर आप इसको टाइम टू टाइम क्लीन करते रहेंगे तो आराम से ये सालों भर साल तक चलते रहेंगे। और ये बायो बॉल्स तो मतलब तो वैसा कुछ नहीं है कि ब्रांडेड है तो बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है, वो एक बस हाइप है जो लोगों के दिमाग में भर दिया गया है क्योंकि यू नो ऑल ऑफ दिस। आई थिंक ऑलरेडी सभ्य भाई ने और मिराज भाई ने बोला है कि ऑल दिस फिल्टर मीडिया जो भी एस्टेब्लिश्ड है हैज टू बी वॉश्ड विद कॉलोनी है तभी वो बढ़ता जाएगा, एस्टैब्लिश रहेगा, तो हाँ बहुत लोग उसको निकाल के। One more thing, sir. हाँ, बोलो। एक चीज और, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, बट दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि लोगों से ये भी कहना चाहेंगे कि सेम डे वाटर चेंज ना करें जब आप अपना फिल्टर करेक्ट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट के लिए आप पानी यूज करोगे और आप वाटर चेंज करोगे तो उसका क्वांटिटी विल बी हायर। राइट, करेक्ट। सो डोंट डू वाटर चेंज ऑन सेम डे, दो दिन बाद करो या जब भी करो, लेकिन वाटर चेंज उसी नोट पे। और एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा उसी नोट पे, एक और बहुत वाइटल चीज ऐड करना चाहूंगा, जब आप अपना बायोलॉजिकल मीडिया चेंज कर रहे हैं फिल्ट्रेशन का, मान लीजिए आपको सिरेमिक रिंग अभी लग रहा है कि हो गया बहुत दिन और मुझे चेंज करना है, तो एक साथ में पूरा चेंज मत कीजिए, मत कीजिए, आधा चेंज कीजिए नेक्स्ट टाइम, बाकी आधा चेंज कीजिए, इस तरह से कर सकते हैं एक साथ में पूरा चेंज होगा। राइट, तो वो जो बायोलॉजिकल साइकिल है, जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया का कॉलोनी है, वो जो बिल्डअप होता है नया नया वाले में बिल्ड हो जाएगा। राइट, तो इसलिए वेरी क्लियरली बोलते हैं कि यू नो यूज इट एंड क्लीन इट ओनली विद द एक्वेरियम वाटर। राइट, वो जो कॉलोनी है वो मेंटेन रहता है, एंड कोई भी फिल्टर मीडिया, स्पॉन्ज, पत्थर हो, लावा रॉक हो, सेरामिक रिंग हो, नथिंग नीड्स टू बी परफेक्टली क्लीन, थोड़ा थोड़ा गंदगी रहना है। राइट, हाँ, तो उसको निकाल के एक्वेरियम पानी में डाल के करके बाहर में डाके सूखा के वैसा मत करो, वैसा नहीं करने का। राइट, राइट, या बहुत सारे लोग करते हैं कि बहुत क्लीन करके रखने का, क्लीन करने से पानी क्लीन नहीं होगा। हाँ, फिल्टर को क्लीन करेंगे तो आपका एक्वेरियम का पानी क्रिस्टल क्लियर नहीं रहेगा, कभी भी नहीं रहेगा। करेक्ट, करेक्ट, तो आपको बैक्टीरिया ब्लूम हो सकता है, वो क्लाउडी वाटर हो सकता है, बहुत सारे टाइप का प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। करेक्ट, तो जो एस्टैब्लिश्ड मीडिया को अगर हम निकाल के पूरा नया फ्रेश पानी में क्लीन करते हैं, स्पॉन्ज को पूरा निकाल के फ्रेश पानी में क्लीन करके उसको पूरा सुखाने के बाद डालेंगे तो पूरा टैंकी गॉन। राइट, राइट, जो नाइट्रोजन साइकिल पूरा खराब हो जाएगा, कम्प्लीटली खराब हो जाएगा, तो वो थोड़ा देखिए एंड ऑलवेज वेट फॉर the filter media to get established, उसके बाद आप fish को डालिए। जी बिल्कुल, and I think nitrogen cycle के बारे में I think थोड़ा और डिटेल में हम बात करने वाले हैं, उसके बाद में देखते हैं। राइट, चलो। राइट, जरूर, बिल्कुल बिल्कुल। न्यू टैंक सिंड्रोम के बारे में इसके बाद हम लोग जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम लोग न्यू टैंक सिंड्रोम के बारे में बात करेंगे। कुछ लोग आप लोगों ने मेरा वीडियो उस पे ऑलरेडी है, आप लोगों ने देखा है तो देखा है, बट अगर नहीं भी देखे हैं तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर उसके ऊपर डिटेल में हम लोग बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि क्या चीज है न्यू टैंक सिंड्रोम, किसको कहा जाता है, क्यों होता है, किस तरह से उसको टैकल करना है, ये सारे चीजें जो है नेक्स्ट वीडियो में, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो उस वीडियो के लिए जरूर वेट कीजिए। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे दोस्तों, और सो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, इफ यू डिड गिव अस अ बिग थम्स अप, लाइक एंड शेयर अ वीडियो, एंड ऑल्सो डेफिनेटली ड्रॉप इन योर कमेंट्स एंड लेट अस नो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर सीरीज, एंड होप वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द
filtration part. There are a couple of other videos we already shot. So please do have a look. There is a playlist on our, you know, in my channel and also my friends' channels where it's called Aquamind series. So do have a look at the playlist so you can see the entire sequence of a lot of topics and the future topics which are going to come. So please do have a look. And next week we'll be talking about something else, some other interesting topic about the hobby, and look forward to that. And a lot of purchase links are mentioned in this video's description from Amazon. If you guys want to pick up any kind of basic things for the hobby, it's listed in the video's description. So please do have a look. And until next time, bye-bye.